खबर यूपी के अमरोहा से, जहां रविवार को मातेश्वरी कन्या विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव को सामाजिक न्याय उत्सव समारोह के रूप में मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर हरली सिंह ढिल्लो, विधायक राजीव तरारा, विधायक समरपाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख कुरिंदर ढिल्लो, भारत भूषण त्यागी आदि ने संबोधित किया। यह तस्वीरें हैं अमरोहा ब्लॉक के गाँव चकारसी स्थित मातेश्वरी कन्या विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव की, जिसको सामाजिक न्याय उत्सव समारोह के रूप में मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लो ने कहा कि जिस प्रकार से कॉलेज में बच्चों को संस्कारित व शिक्षित किया गया है, वह काबिले तारीफ है और बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, वह निश्चित ही अनुकरणीय है। नौगवा सादात से विधायक चौधरी समरपाल सिंह ने कहा कि वह बहुत शिक्षण संस्थान के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते हैं, परंतु जिस प्रकार से आज यह कॉलेज का वार्षिक उत्सव प्रोग्राम आयोजित हुआ है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। धनौरा से विधायक राजीव तरारा ने कहा कि इस कॉलेज के छात्राओं ने दिखा दिया है कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैं बधाई देता हूं कॉलेज के प्रबंध तंत्र को, जिन्होंने इस प्रकार से बच्चों को संस्कार दिए हैं और उनको बेहतरीन तरीके से शिक्षा देने का काम वह कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राजनीति में भाई भतीजावाद पर भी जमकर हमला बोला। मेरे परिवार में से किसी भी प्रकार से राजनीति में नहीं है। पिछले 6 वर्षों से मैं राजनीति कर रहा हूं, लेकिन किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया। इस दौरान उन्होंने एक अधिकारी के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली। तत्पश्चात पाइंट बुक के प्रबंधक डॉक्टर कमलेश सिंह ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मातेश्वरी कन्या विद्यापीठ के प्रबंधक राजवीर सिंह ने सभी अतिथियों को पुरस्कृत भी किया। एक बच्चे ने कोई चू चाची भी नहीं करी, शोर नहीं हुआ। तो मैं प्रबंधक महोदय आपका बहुत आभारी हूँ कि इतने शानदार प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। और राजीव तरारा जी, मैं आपके साथ हूँ, आदरणीय हमारे बैठे हैं उस सदन के सदस्य बड़े भाई ढिल्लो साहब, आपने जो पीड़ा बताई तो ऐसे अधिकारी को जिले में नहीं रहना चाहिए, ये मुझे भी दुख हुआ ये सुनकर। जी आज यहाँ पहुँचे हैं, समरोहा क्या है? राजवीर सिंह जी के बुलाए पर मैं आया था। मातोश्री के प्रोग्राम है स्कूल में, इतना शानदार प्रोग्राम मैंने कभी नहीं देखा बचपन में। अभी मैं हिंदू कॉलेज का प्रेजिडेंट रहा और बड़े बड़े प्रोग्रामों पर गया, लेकिन इतना अनुशासित इतना शानदार प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिला। अभी विधायक धनौरा ने एक अधिकारी का जिक्र किया, आपने भी मन से जिक्र किया, क्या है मामला? मैं तो विधायक के साथ हूँ, आज डॉक्टर के साथ होता है और दरोगा के साथ होता है, सब अपने आदमी की मदद करते, तो मैं विधायक के साथ हूँ। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, विधायक जी के साथ गलत हुआ, तो मैं उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। नहीं, अभी जैसे किसान बड़ा विरोध कर रही है क्षेत्रीय विधायक का, क्या है मामला? नहीं, मैं तो उनको कह रहे, हम तो एमएलए है, हरि सिंह जी भी एमएलए है, हमारे बड़े भाई तो उच्च सदन में है। अगर बात इनकी सही है तो उस अधिकारी को यहाँ से हटना चाहिए, अगर इनकी बात सही है तो। मैंने कहा संज्ञान लो डॉक्टर साहब को और जांच करा के ऐसे अधिकारी को जिले के बाहर कराओ। कल चुनाव है, क्या कहेंगे? कल चुनाव है तो यही कहेंगे, हमारी पार्टी जीतनी चाहिए। क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए। आप इतना विरोध के बाद भी पढ़े लिखे आदमी भी वोट नहीं करेंगे? सरकार छुट्टा पशुओं से, बेरोजगारी से, युवा जितना भी है बीए पास हो रहा घर पे बैठा है माँ बाप की छाती पे, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, नौकरियां खत्म कर दी सब। तो मैं तो अपने ही कैंडिडेट को चाहूंगा कि वही जीतने चाहिए भारी मतों से। आशा विश्वास के साथ आपने भेजने का काम लखनऊ में किया था, उसको बखूबी करने का काम कर रहा हूँ। आज प्रदेश की यशस्वी सरकार हमारी, चाहे नकल विहीन परीक्षाएं हो, बिन पैसे के मान्यताएं हो और अनेकों काम, पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने वित्त विहीन के अध्यापक को मुख्यमंत्री सम्मान पुरस्कार देने का काम किया। पहली बार नकल के ठेके नहीं हुए, पहली बार सब पारदर्शिता के साथ नौकरी लगने का काम हुआ। आज संस्कृत विद्यालयों को भी व्यवसाय परोसिक बनाया गया है, उनके अंदर भी एनसीईआरटी की बुक लगाई गई। तो प्रदेश की सरकार, अभी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश, मैंने आदरणीय योगी जी सामारी महाराज जी से बात हुई थी, जब तक उत्तर प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं को आप भयमुक्त नहीं करोगे,
तब तक शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। हमने इसी के संदर्भ में आदरणीय विधान परिषद के अंदर मैंने कहा था, विधान परिषद के अंदर मैं बोला था कि जिस तरीके से एजुकेशन, जिस तरीके से मेडिकल एक्ट है, जिस तरीके से रैगिंग के लिए छात्रों के लिए रैगिंग का एक्ट है, ऐसी एक्ट है, उसी तरीके से शिक्षण संस्थाओं के लिए एक एजुकेशन एक्ट बनना चाहिए, ताकि अगर हमारी, हमारा प्रबंधक, हमारा प्रधानाचार्य और हमारा शिक्षक भी उसमें सुरक्षित रह सकता हो। आज हम बड़ी बहुत सुंदर तरीके से काट सकते थे, लेकिन नहीं काटा इन्होंने। इन्होंने कहा मैं अपनी जन्मभूमि पर जाऊंगा, कॉलेज खोलने का काम करूंगा, बच्चों को शिक्षा देने का काम करूंगा, उसके तहत ही आपके बीच में आए। आदरणीय सरदार जगजीत सिंह जी हैं, बहुत शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में अगर सबसे शक्तिशाली चीज कोई है, सबसे शक्तिशाली चीज, लोग कहेंगे क्या आपके पास शक्ति है, हम कहेंगे साहब विधायक हैं, हमारे पे बहुत शक्ति है। कोई कहेगा शस्त्र है, हमारे पे बहुत शक्ति है। कोई कहेगा मेरे पास धन है, हमारे पे बहुत शक्ति है। नहीं साहब, इनके, इनका कोई मतलब नहीं। सबसे शक्तिशाली दुनिया के अंदर विदुषी है व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति है, वो व्यक्ति शक्तिशाली है जो शिक्षा की ज्योति जलाने का काम करते हैं। और मैं एक बात और कह करता हूं मंचों पर, लोग हो सकते हैं जो शिक्षा का ज्योति जलाने का काम करते हैं, शिक्षा को आगे ले जाने का काम करते हैं, ऐसे मैं हजारों लोग गिना सकता हूं। ए जी अब्दुल कलाम ने कहा एक एक रुपए चंदा इकट्ठा करके बनाने का काम किया, और उस बनारस यूनिवर्सिटी को वहां की जमीन देने का काम वहां के राजा ने किया था। अंतर मदन मोहन मालवीय को सब जानते, तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही जो शिक्षा की ज्योति जलाने का काम कर रहा है। मैं उदाहरण दे करता हूं, आदरणीय सरजीत सिंह जी बैठे, समरपाल जी कुंदन मॉडल इंटर कॉलेज खुला है, उस कुंदन सेठ का कभी 6-6 शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन शिक्षा की छोटी सी ज्योति जला गया तो कुंदन मॉडल कॉलेज के नाम से आज मशहूर हो गया, कुंदन मॉडल के नाम के आज जाना जाता। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि कोई धनाढ्य व्यक्ति प्रेरणा स्रोत कभी हो नहीं सकता आपका, और गुरुओं का स्थान हमेशा सर्वोच्च है, इन गुरुओं का सम्मान करना आप सीखिए। और गुरु हमारे सिख परंपरा में तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया था, क्यों, एकलव्य ने तो गूठा ही दिया था, हमने तो सिर दे दिए। तो गुरुओं का इतना सम्मान सिख समाज के अंदर होता कि दूसरी दुनिया में दिखा, दूसरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिला। तो मैं आप सबसे अनुरोध प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग इस शिक्षण संस्थाओं को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए सोचना चाहिए। लेकिन क्या सोच लेंगे कि अच्छा कितने बच्चे आ रहे हैं राजवीर सिंह जी के स्कूल में, गिनती क्या होती है, कितनी फीस आ रही है। ए जी अब्दुल कलाम हो, मदन मोहन मालवीय हो, रविंद्रनाथ टैगोर, जितने बड़े लोग बने हैं वो सब छोटे परिवारों से बने, छोटे परिवार के लोग ही दुनिया ने बड़ा नाम कमाने का काम किया, चाहे वो अडवाणी हो चाहे वो अंबानी हो, कहां थे वो लोग, लेकिन उनका विजन बड़ा था, उनकी सोच बड़ी थी। हमें सोच बड़ी करनी पड़ेगी, हमें सकारात्मक सोचना पड़ेगा, और जिन लोगों ने नकारात्मक सोचा दुनिया के अंदर वो सब घर लोट लगा रहे हैं, और नहीं लगाएंगे फिर लोट लगा लेंगे इस चीज के लिए। समय कोई किसी का प्रतिबद्ध नहीं है, समय है, ये समय का कालचक्र सबको दस्ता है। तो मैं सबसे अनुरोध प्रार्थना करता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप सहयोग करिए, आप समाज में क्या दे रहे हैं केवल इसकी बात करिए। हम 24 घंटे संस्कार की बात करते हैं, खुद हमारे संस्कार खराब होते हैं। हम कहते हैं बच्चों में संस्कार होने चाहिए, बच्चा मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए, और बुढ़े बुढ़ियों को तो बच्चों से पैर दबवाने चाहिए, ये मानता खत्म हो गई, उसका अहंकार खत्म हो जाएगा, उसका अहम खत्म हो जाएगा जब बच्चों की शाम को अपनी मामा दादी के अम्मा के पैर दाबने का काम करेगा। बैठाओ अपने पास में, खाना खिलाओ, पूछो, ये संस्कार डालोगे तो बचेगा ये समाज। अगर ये संस्कार बच्चों में आपने नहीं डाले तो आपके हाथ से बच्चे जाने वाले, ये समझ लेना जो हालात आज समाज में डिजिटल के माध्यम से हो रही है, इसको रोकने का प्रयास हम लोगों का नहीं, और अग्नि लोगों को आगे आना चाहिए। आज समाज में कोई बुराई लेने को तैयार नहीं होता साहब, उसका बिगड़ रहा है, राजवीर सिंह के पड़ोस में कोई गड़बड़ होगा तो राजवीर सिंह दूसरा ठीक कर देगा, मेरी कोई जरूरत नहीं। एक ऐसे पहले पंचायत गांव में हो जाया करती थी, खराब को खराब कहने की आदत हो जाया करती थी, आज खराब को खराब कहने की आदत नहीं है। खड़े हो खराब काम के लिए, खराब बात करने के लिए कहता उसको रोको। आज हम चौराहे पे क्या करते हैं, 80% काम, 80% समय माताएं बहने बैठी, आप सब लोग बैठे हो, सिर्फ इस बात के लिए जाता है कि हम सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं, सिर्फ दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं। कभी हमने 24 घंटे में ये चर्चा की कि हम अपने बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, आज हमने कितना गलत काम किया, क्या आज हमने कोई सही काम भी किया, क्या समाज के लिए भी कोई काम किया, क्या आज हमने किसी गरीब की मदद करी है, क्या उसके लिए हम किसी काम आए हैं, केवल हम अपना ही काम करते हैं। तो ये कुरूतियां जब तक समाज में रहेंगी समाज अच्छी तरह दिशा में नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब आज यहाँ चंद्रबुआ पहुंचे हैं, क्या प्रोग्राम था, चकार थी रुगामी हक्का वार्षिकोत्सव था जी, माधव शरीफ
गन्या इंटर कॉलेज का, उसी में हम आए थे जी। सुंदर कार्यक्रम हुए, बधाई, बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। आदरणीय प्रबंधक जी को, आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी गुरुजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम पर। उन बच्चों को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने सुंदर प्रस्तुति की है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप मतलब एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग और बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहीं यहाँ पर राजवीर सिंह ने शिक्षण संस्थान खोला है, क्या ऐसा नहीं लगता कि दोबारा से जो है ग्रामीण क्षेत्र की ओर जो है मतलब इस तरह से लोग वापस लौट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं लोग, देखिए ऐसा है, जब शिक्षण संस्थान पहले गांव में थी ही नहीं जी, अच्छी शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, अब तो अच्छी शिक्षण संस्थाएं गांव के अंदर खुल रही हैं जी, और गांव शहर में बहुत फर्क नहीं है जी। पहले लोग जाया करते थे शिक्षा के लिए शहर जी, क्योंकि रोड नहीं थी और जाने के लिए उनके वाहन नहीं थे। अब तो हर गांव में हर रोड बनी हुई है, आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सड़कों का निर्माण सुंदर हुआ है, लाइट 24 घंटे अब गांव में भी रह रही है, सारी व्यवस्थाएं गांव में की हैं, तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था शहर में पढ़ने पढ़ाने की हुआ करती थी वो गाँव में व्यवस्थित है, अच्छे एजुकेशन सेंटर खुले हैं। कल चुनाव है डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? कुछ कहना नहीं है, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है, और मैं समझता हूँ कि बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड जिस तरह मुझे ऐतिहासिक जीत दी थी आदरणीय गुरुजनों ने, उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि स्नातक मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी को और डॉक्टर जयपाल सिंह जी को इतिहास रचने जा रहा। अभी नौगामा सदात विधायक जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी के राज्य में जो है बेरोजगार जो है बढ़ रहे हैं, ऐसे माहौल में जो है कम से कम शिक्षित लोग हमारे प्रत्याशी को चुने, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, उन्हें वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनको क्या कहना चाहिए कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है? उनका काम है कहने का, करने दो, तो जनता चुन रही है भारतीय जनता पार्टी, वो नहीं चुन रहे, स्नातक मतदाता चुनेगा, मेरे को चुना है, सरकार बनाई है, जब इतना बड़े सारी चीजें थी तब 265 सीटें हम चुनाव जीत गए थे, और सारे गठबंधन थे तो भी सारे गठबंधन थे 19 के अंदर लोकसभा में, तो भी 64 सीटें जीत गए थे जी, अब भी सारे गठबंधनों ने काम किया तो भी हम 265 सीटें जीत गए, इसमें कहने के लिए उन्हें कहना ही चाहिए, विपक्ष के आदमी और क्या कह सकते हैं बेचारे। हम सब ने अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ते हुए देखा, विषम परिस्थितियों से भी आगे निकलते देखा, ये भारत भूमि वो पवित्र भूमि जहां जन्म लेकर नारी शक्ति को प्रस्तुत करती है और अधर्म का नाश करती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म साकुल्ला था और ऐसे अनगिनत नाम जिनको अभी मंच के माध्यम से बताया गया कि मातृभूमि के लिए लाखों बेटे और बेटियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिनके नामों को नहीं जानते उनके रूप में महान आत्माएं जन्म लेकर धर्म की स्थापना करती आई है। वर्षों के संघर्ष के बाद 1947 को देश की आजादी, 26 जनवरी 50 में भारत का संविधान और संविधान की रचना भी न्याय के सिद्धांत पर, छोटे बड़े जाति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जाति और वर्ग के भेद को मिटाने के लिए भारत के संविधान की रचना न्याय के सिद्धांत पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में हुई, उसकी रचना को किया, उसको आगे बढ़ने के अवसर खेल के मैदान में जीत दिए जाते हैं तो जिसके अंदर क्वालिटी है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। किसानों के लिए किए कार्य, समाजीय किसान सम्मान निधि, ऋण माफी होती है वो भी उसी आधार पर, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है, उनके प्रतिभा को निखारने के लिए ट्रेनिंग दी जाओ के, राशन वितरण का विषय आया तो वो भी सामाजिक न्याय यानी कि जिसको जो आवश्यकता, इसके साथ ही इलाज के लिए एक अच्छा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कि सभी को न्याय मिले, जो इस योग्य नहीं है उनको भी अवसर मिलने चाहिए, ये सारे विषय सरकार के संज्ञान में आते ही वो समान रूप से सभी को न्याय देने के लिए काम कर रही है। हमारी आज जाने के लिए नौजवानों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, देश के लिए यदि बलिदान दिया है तो नौजवान ही फांसी के फंदे पर झूले, नौजवानों ने ही परिवर्तन लाने का कार्य किया है, और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और ये आज जो बेटियां यहां पर प्रतिज्ञा ले रही हैं कि हम समाज में परिवर्तन लेकर के आएंगे, अनेकों अवसर होते हैं, एक कहावत है समाज के अंदर कि रोशन तो सब हो मगर मेरे चिरागों से बढ़कर ना हो, हर एक व्यक्ति की एक चाहत होती है,
गजब चाहत है आज के लोगों की, रोशन तो सब हो मगर मेरे चिरागों से बढ़कर ना हो, आगे तो बढ़े लेकिन मुझसे आगे ना निकल जाए, ऐसी भी एक इच्छा रहती है और उसी के लिए व्यक्ति प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कार्य करता रहता है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है रूप से किसी प्रॉपर्टी पर मैं या मेरे परिवार, और मैं तो कहता हूं कि मेरे भाई को 10 लोग विधानसभा के नहीं जानते होंगे, वो भी मुझसे मात्र 1 साल छोटा है। नहीं तो होता क्या कि भाई भतीजा परिवार सारे दूसरे कामों में लग जाते हैं। एक कोशिश, एक परिवर्तन जितना बेहतर तरीके से हो सकता है एक प्रयास से करने की कोशिश की है, और पिछले 6 वर्ष लगभग हुए, बिल्कुल मैं खुले मंच से बोल रहा हूं, कहीं पर कोई शिकायत नहीं मिलेगी कि 1 इंच जमीन पर किसी की कब्जा किया है, एक प्रयास किया है। हम लोगों को कई बार बदनाम करने की कोशिश की जाती है, चूंकि अभी न्यायालय का विषय यहां पर आया था तो मैं चर्चा कर दूं, एक व्यक्ति आके बल पर उसकी जमीन नहीं दिलवा रहा हूं। एक SDM 11 अगस्त को इससे देता है कि इसकी बिक्री पर रोक लगाई जाती है, वही SDM 11 अगस्त को ये रिपोर्ट लगाकर भेज, कौन सा न्याय? इसके लिए तो विधायक को खड़ा होना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि को खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम इसमें परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। एक डेट में दोनों काम नहीं हो सकते, एक तरफ बिक्री पर रोक लगा रहा है, दूसरी तरफ बिक्री हेतु परमिशन दे रहा है, मोहर लगाकर भेज रहा है। इस सब के लिए हमें परिवर्तन लाने के लिए समाज की आवश्यकता है कि जो गलत कार्य हो उनको रोकने के लिए सभी का साथ चाहिए। यदि कोई गलत विषय है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक जनप्रतिनिधि के नाते इस विद्यालय परिवार को, यदि समाज में कोई गलत शुरुआत होती है और इस तरह के कार्य होते हैं, हमें आपको सबको मिलकर न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आगे कदम बढ़ाना है, उसको रोकने के लिए प्रयास करने हैं, तभी हम और आप मिलकर परिवर्तन ला सकते हैं पुणे में इस विद्यापीठ को। विधायक जी आज यहां पहुंचे हैं, क्या प्रोग्राम था? आज मातेश्वरी कन्या विद्यापीठ विद्यालय में वार्षिकोत्सव सामाजिक न्यायोत्सव कार्यक्रम था, तो इसमें सम्मिलित होने के लिए पहुँचे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा आदरणीय राजवीर सिंह जी को, जिन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र में शुरुआत की बेटियों की शिक्षा के लिए, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ बड़ी संख्या में अभिभावक माताएं बहनें हमारे सम्मानित बुजुर्ग क्षेत्रवासी यहाँ उपस्थित रहे, और विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए उनके प्रबंधक, उनको चलाने वाले संचालक यहाँ उपस्थित हुए। मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला, तो मैं इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हुआ था। और मैं इन बेटियों को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, जो आज देश आगे बढ़ रहा है, बेटियाँ प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनको बहुत शुभकामनाएँ। देश की रक्षा सुरक्षा, विमान उड़ाने, लड़ाकू विमान उड़ाने, एवरेस्ट फतेह करने, खेल के मैदान, विभिन्न जो मैदान है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राजनीति के क्षेत्र में बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं, और राजवीर सिंह जी ने इस ग्रामीण क्षेत्र में शुरुआत की, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूँ। विधायक जी, कल MLC चुनाव है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, यहाँ पर डॉक्टर नेपाल सिंह जी हमारे लगातार 5 बार MLC रहे, आदरणीय जयपाल सिंह व्यस्त जी 2 बार से, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारी प्रत्याशी बनाया है, तो इस बार हम यहां से रिकॉर्ड मतों से उनको जिताकर भेजने वाले हैं, जिससे पूरे देश में ये सर्वाधिक वोट से जीतने वाली सीट बनेगी। और मैं अपने स्नातक बंधुओं से ये आग्रह करता हूं, जिनके वोट बने हुए हैं वो 8 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होनी है। आदरणीय जयपाल सिंह व्यस्त जी, जिनका पहले नंबर पर नाम है, उसके आगे जो कॉलम बना हुआ है उसके बीच में खड़ी लाइन खींचकर उनको अपना मत दें और उनको अपना आशीर्वाद देकर पुनः विधान परिषद में भेजने का कार्यक्रम, ऐसा आग्रह सभी से करता हूं। विधायक जी आपने नौजवानों का जिक्र किया अपने भाषण के दौरान भी, चूँकि समाजवादी पार्टी ने एक नौजवान को टिकट दिया है और आपके जो प्रत्याशी हैं वो वयोवृद्ध हो चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका एज से नहीं बल्कि जो ऊर्जा रहती है, जो उत्साह रहता है, शिक्षा से जुड़े हुए आदरणीय जयपाल सिंह व्यस्त जी रहे हैं और उनमें युवाओं जैसी ऊर्जा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन के लिए कार्य करते रहे हैं, और दो बार के कार्यकाल में भी उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया, तो इस बार जो ऐतिहासिक विजय होने वाली है वो सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करेंगे, और हम जैसे अनेकों युवाओं को आशीर्वाद वहाँ से देंगे, एक सीख देंगे कि किस तरह से विधायिका को चलाना चाहिए, और नौजवानों को भी अपने देश में, अपने प्रदेश में सहभागिता करें और आगे बढ़ें।